इसराइल और फिलिस्तीन के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी में हमास के साथ छिड़ा युद्ध अब और घनघोर होता जा रहा है। इसराइल ने गाजा में हमास के लड़ाकों पर हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच भारत ने इसराइल के साथ सहानुभूति जताई तो वहीं फिलिस्तीन को सहायता भी भेजी, और जब बारी युद्ध को रोकने के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग की आई तो भारत ने उससे दूरी बना ली। दरअसल यूनाइटेड नेशंस में इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया था जिसका मकसद बहुमत के साथ सदस्य देशों की संयुक्त रजामंदी जुटाना था ताकि इस युद्ध को तत्काल रोकने के प्रयासों की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। ये प्रस्ताव यूएन में बहुमत के साथ पास भी हो गया है, लेकिन इसमें बड़ी चर्चा ये है कि इस पर हुए मतदान में भारत समेत कुल 45 देशों ने भाग ही नहीं लिया और इससे दूरी बनाए रखी। इसके पीछे वजह भी बड़ी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने जो 10वें आपातकाल विशेष सत्र में शामिल हुए थे, इसमें जॉर्डन की ओर से पेश किए गए और पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, मालदीव और दक्षिण अफ्रीका समेत 40 से ज्यादा देशों की ओर से सह प्रायोजित किए गए मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करवाया गया। इस प्रस्ताव पर 120 देशों ने इसके पक्ष में, 14 देशों ने इसके विरोध में मतदान किया, जबकि भारत समेत 45 देशों ने इस मतदान से दूरी बना ली। भारत के अलावा जिन देशों ने वोटिंग न करने का फैसला लिया, उन प्रमुख देशों में जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूक्रेन आदि भी शामिल हैं। ऐसा करने की बड़ी वजह ये रही कि जो प्रस्ताव जॉर्डन की ओर से पेश किया गया था उसमें गाजा पट्टी के चरमपंथी समूह हमास का कोई नाम ही नहीं था, जबकि इसराइल पर सबसे पहले 5000 रॉकेटों से वार कर उस युद्ध के लिए उकसाने वाले हमास के ही चरमपंथी थे। इस प्रस्ताव की आलोचना अमेरिका ने भी की है। अमेरिका का कहना है कि प्रस्ताव में बुराई की चूक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद भारत ने 87 दूसरे देशों के साथ मिलकर संशोधन के पक्ष में मतदान दिया, जबकि 55 सदस्य देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया और 23 देश अनुपस्थित रहे। हालांकि सदन में मौजूद रहे और संशोधन मसौदे के पक्ष विपक्ष में मतदान करने के बाद पक्ष में 2/3 बहुमत हासिल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इसे अपनाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों की ओर से युद्ध की जो शुरुआत की गई थी वो अभी भी जारी है। इसराइल ने पीछे हटने से मना कर दिया है, जबकि हमास का पूरी तरह से खात्मा करने की भी बात कही है। इसराइल पर एक साथ 5000 रॉकेटों से हमला करने वाले हमास को लेकर इसराइली प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये हमारा अस्तित्व मिटाने की कोशिश थी। ऐसे में हमास ने जिस जंग की शुरुआत की उसका अंत हम कर दिखाएंगे, जबकि हमास के लड़ाकों ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया है और कह दिया है कि वे हार नहीं मानेंगे और अंतिम समय तक पूरी ताकत से इसका जवाब देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।